हमने डिसाइड किया है कि हम तीनों में से पहले तुम्हारे साथ सुहागरात कौन मनाएगा। सच? कौन? कोई नहीं। क्या तुम जानते हो ना मुझे ना करने का मतलब? जानता हूं। एक बात कहूं, बहुत बड़ा पट्टू हूं मैं, बात बात पे फट जाती है मेरी, लेकिन आज तुम सामने खड़ी ये सब कह रही हो पर मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बीवियों ने हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, इसीलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना भरोसा है तुम्हें अपनी बीवियों के व्रत पे? तो फिर चलो देखते हैं। कैसे हुआ सी? क्या हुआ? अरे हाँ? चलो मम्मी देखते हैं। चलो 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 चलो। मार तुझे सलाम सलाम सलाम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये कौन है? हाँ तुम सब इसे देख सकती हो? अरे ये कोई भूतनी थोड़ी ना है जो हमें दिखाई नहीं देगी। तू है कौन और इस घर में क्या कर रही है? मैं तो यहीं रहती हूँ पिछले 70 सालों से, 20 साल इंसान की तरह और 50 साल भूतनी की तरह। अगर तू भूतनी है तो यहाँ देख, मैं हूँ चुड़ैल। तेरी सांस पड़ेगी। सच? चुप कर यार, बताओ हमारे सामने भूतनी बन रही है, इसको कोई समझाओ। भूतों में मेरा आतंक है। चुड़ैलें अपने बच्चों को मेरा फोटो दिखा करके चाइनीज खिलाती हैं और कहती हैं सोजा नहीं तो अंताक्षरी बाबा आ जाएगा, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बच्ची मात मात। बोल, अगर तू भूतनी है तो मैं बहुत बड़ा बे हूं, मेरे अंदर से 24 आवर बड़े बड़े ऑर्गन तरबूज निकलते हैं मानवता के कल्याण के लिए, है ना? जानते हो मैं इन सबके सामने क्यों आई? ताकि इन सबकी नजरों के सामने मैं तुम तीनों को मार सकूं। अब देखती हूँ कैसे बचाता है इनका करवा चौथ तुम्हें। बाबा की चढ़ी है। आ गई ना कंट्रोल में भूतनी। कहाँ छुपी थी अब तक? किधर थी? तू जानते नहीं कितना परेशान किया इसने। अब हमारी बारी है। जब देखो करती रहती है
पागल है क्या? चुपचाप खड़ी रहे वरना कान कर जा मारूंगा एक थप्पड़। थप्पड़? सिर्फ थप्पड़? बहुत नरम दिल वाला तू अमर, तूने सुना नहीं? रातों के भूत हाथों से नहीं मानते। ला मुझे दे। क्या? चढ़ी और क्या? पागल भूतनी तरबूज निकालेगी। तू देख तेरे अंदर से कैसे पूरा फ्रूट चाट निकालता हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो भागते हैं यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चल बेली डांस फ्लोर पे चल चल। अब हम तुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठेंगा। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रेम, शट अप अमर, तू जानता नहीं मेरे गुस्से को। प्रेम, एक बार जब मेरा दिमाग गर्म हो गया ना, पापा की छड़ी टूट गई तो फटाफट ठंडा भी हो जाता है। अरे बाबले, भादो भादो। चलो कम से कम ये करंट अब सबको लग रहा है। मेरा तरबूज निकलने पर भी तेरे को अकल नहीं आई? किसने कहा था दरवाजे में उंगली करने को? पागल है। दो मिनट, सिर्फ दो मिनट, इतनी ही जिंदगी बची है तुम सबकी। जैसे ही बाबा की आग बुझी, तुम सब की चिता जली। बाबा की चड्डी, बाबा की चड्डी। डर डर डर। अबे उल्लू के पट्टे, वो बाबा की छड़ी से डरती थी, चड्डी से नहीं। अबे इसको डराना है ना, तू तू डायरेक्ट इसके बाप को बुला। कैसे कैसे? अंताक्षरी बाबा। गुरुजी। बाबा जी आप ही हमें बचा सकते हैं इससे? मुझे नहीं आता आत्मात्मा बुलाना। क्या? हाँ देखिए, मैं तो इससे बटन दबा दबा के सिक्का हिलाता हूँ। तू ही तू ही तू ही। क्या? अब ये भूतनी नहीं, मैं ही तेरा गला दबा के तुझे मार डालूंगी। तेरे ढोंडू जस्सिल। गंदा है पर ये धंधा ना भूती जी। अरे बाबा बैठ बैठ, दे लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। ढोंगी साला बाबा, चल। अपनी अपनी उंगलियां रखो। बाबा की आत्मा जहां भी हो जाए, 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 बाबा की आत्मा। अरे यार ये सिक्का हिल क्यों नहीं रहा है? यार मरने से पहले मैं दिल से एक सच बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर बार मेरा ही आइडिया मरवाता है। सिक्का हिला, सिक्का हिला। कैसे? सत्यमेव जयते। मैं समझ गया। मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि आत्मा को अगर बुलाना है तो मन साफ और दिल सच्चा होना चाहिए। लेकिन मैंने तो हमेशा झूठ का सहारा लिया ना, इसलिए कभी आत्मा को बुला ही नहीं पाया। लेकिन जैसे ही प्रेम ने दिल से सच बोला, सिक्का हिला। यानी कि अगर हम दिल से सच बोलेंगे तो सिक्का हिलेगा? हाँ जरूर हिलेगा। अरे तो सोच कह रहे हो, फटाफट सच बोलो। अरे लेकिन क्या? अरे बोल ना बेटा, बोल के मुझसे अच्छी सास तुझे मिल ही नहीं सकती। आपसे अच्छी सास तो मुझे मिल ही नहीं सकती। अबे सच बोल, अमर आग कम हो रही है। अबे अबे बोल। एक नंबर की पागल बुढ़िया है तू। लाइफ की वाट लगा रखी है तूने। अगर अपने पति को इतना ही मिस करती है तो उन्हें नीचे बुलाने की जगह तू खुद ऊपर क्यों नहीं चली जाती? तू भी खुश, मैं भी खुश, पूरी दुनिया खुश। मौसी जी टांग, मौसी जी टांग। शट अप अमर। वेल डन अमर, वेल डन। कंटिन्यू कंटिन्यू। ये क्या कंटिन्यू? सारा सच क्या मैं ही बोलूंगा? तू भी तो सच बोल अपने साले के बारे में। मेले बाले में क्या जीजू? कुछ नहीं, यही कि तू मिली जिगल का टुकड़ा है, मिली जान है। थैंक यू जीजू। अबे सिक्का हिल नहीं रहा है। मीत आग। अबे बोल। जिगर का टुकड़ा नहीं,
मेरी लव लाइफ का लफड़ा है तू साले क्रॉस कनेक्शन तुझे देख के समझ में आता है साले कि साला गाली कैसे बनी तू इंसान नहीं जंगली सांड है जंगली सांड नहीं गधे की टांग समझ गया ना तू चीतू ताड़ बोले I hate you, Meet. I hate you. सिकाइला प्रेम अब तेरी बारी बोल मेरा नाम प्रेम है मैं एक मर्द हूँ मेरी उम्र 32 साल है बोल दिया अबे साले आधार कार्ड के लिए बायोडेटा नहीं देना है दिल की सच्ची फीलिंग्स बतानी है बोल अपनी साली के बारे में साले सच बोल अबे सोचने के लिए दिमाग चाहिए बावली जो तेरे पास है नहीं सुबह शाम चीजू हिल गए चीजू हिल गए चीजू हिल गए अबे चीजू नहीं तू हिली हुई है तेरे रोज हम दोनों के बीच में सोने की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है बर्बाद दीदी सॉरी चुप चुप बकवास कर रहे तू एक और सच बोलना है बस करो खबरदार जो एक और शब्द बोला तुम इतनी नफरत करते हो तुम हमारे घर वालों से हाँ करते हैं जानती हो क्यों क्योंकि ये हमें तुमसे दूर रखते हैं इनके सामने तो हम तुम्हें दिखाई नहीं देते इसलिए हम तुम्हें यहां धोखा देने आए थे लेकिन अब रियलाइज हुआ कि हम तुम्हें नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे थे क्योंकि दुनिया भर की मस्ती तुम्हारे प्यार की बराबरी नहीं कर सकती और आज उसी प्यार की कसम खाते मर जाएंगे लेकिन तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे बाबू रंगीला कैरेक्टर का बहुत ही ढीला ढिचका एक बार जो मैंने कमिटमेंट दे दी तो मैं मेरी भी नहीं सुनता तुम्हें काबू में लाने के लिए छड़ी मेरे पास भी है बाबू रंगीला आई लव यू
बावली छोटी सांड लक्ष्मण छोटी शर्म नहीं आती घर के बुजुर्ग देखेंगे तो क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे बुजुर्ग तौली दीदू दलबल हो गई गलबल हो गई मम्मी डैडी अब बाबा बाबा नहीं बाबा जी का टुल्लू तेरी माँ के बारे में बोल रहे हैं ना मम्मी पहले शर्म नहीं अब देख किसे शर्मा रही है अपन नमस्ते नमस्ते क्या कर रहा है जल्दी से पैर छू मूर्ख जल्दी क्यों अरे हनीमून को भी तो जाना है अत्री सब तो जाते हैं बाबू भैया थैंक यू सो मच आपने हमारे हस्बैंड्स की जान बचाई पर आप तो कल ही घर देखने आए थे ना फिर अचानक आपकी मौत कैसे हो गई क्या हुआ आज के बाद चिकन खाना बंद वेजिटेरियन बनो अच्छा ओके सॉरी मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा किया लेकिन क्या करती मस्ती चीज ही ऐसी है तुम्हें 6 महीने नहीं मिली तो तुम्हारा ये हाल हो गया सोचो मैंने तो 50 साल इंतजार किया है इट्स ऑल राइट हम समझ सकते हैं इनफैक्ट हमें तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए थैंक यू राघु आपकी हॉरर स्टोरी के चक्कर में हमारी लव स्टोरी ठीक हो गई